कोविड-19 के बाद जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तब इंसान म्यूकर माइकोसिस का शिकार हो जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में कई कोरोना संक्रमित मरीजों में यह बीमारी देखी जा रही है। म्यूकर माइकोसिस बीमारी होने की वजह क्या है, म्यूकर माइकोसिस ना हो इसके लिए किस तरह की सावधानियां बरती जाए, इस बारे में किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत की है हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। आइए डालते एक नजर। कोरोना की दूसरी लहर के साथ हमें नई नई बीमारियां देखने मिल रही है, जैसे ब्लैक फंगस हो गया है, म्यूकर माइकोसिस है, और इस बारे में हम किंग्सवे अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे जानेंगे ये म्यूकर माइकोसिस बीमारी क्या है। हमारे साथ डॉक्टर विमी गोयल जो फिजिशियन है किंग्सवे अस्पताल में, उनसे हम जानते हैं कि म्यूकर माइकोसिस क्या है। म्यूकर माइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, जिसको कि एक साधारण भाषा में ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो कि उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से, किसी कारण से कम हो चुकी है। तो इसमें हमने जो इस वेव में बहुत सारे म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट सामने आ रहे हैं जिनमें कि इम्यूनिटी का लो होने का कारण मुख्यतः डायबिटीज़ और स्टीरॉयड्स का यूज़ देखा गया है। म्यूकर माइकोसिस के सिम्टम क्या है, किस वजह से ये होता है, ये जानकारी हम जानेंगे किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर हमारे साथ हर्षवर्धन बोरा जी है जो भी फिजिशियन है, उनसे हम जानेंगे कि मतलब किस तरह ये हो सकता है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हम उनसे जानते हैं। डॉक्टर बोरा है हमारे साथ। सर, ये जो म्यूकर माइकोसिस जो बीमारी है, हम देख पा रहे हैं कि हाल ही में जो कोरोना हो चुका है उन्हें ये बीमारी देखी जा रही है, तो क्या सिम्टम्स है इसके, कैसे पहचाने कि हमें म्यूकर माइकोसिस हुआ है। खास करके ये जो म्यूकर माइकोसिस बीमारी, जिनको कोविड हो चुका है और जो लंबे समय तक के ऑक्सीजन पे थे, NIV पे थे, वेंटिलेटर पे थे, उनको इसके चांसेस ज़्यादा है। उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो खास करके आँखों में दर्द होना, सर दर्द होना, चेहरे में दर्द होना, दांतों में ढीलापन आना, नाक से कुछ काले रंग का मवाद जैसा बहना, नाक और चेहरे के जो चमड़ी है उस पर कालापन आ जाना, और काफ़ी तेज दर्द होना, आँखों से कम दिखाई देना, दांतों में दर्द होना, यह अनेक प्रकार के जो अर्ली सिम्टम्स है वो पेशेंट को देखे जा सकते हैं और उसी वक्त उसका डायग्नोसिस हम लोग तुरंत कर सकते हैं। बिल्कुल, म्यूकर माइकोसिस में आँख का भी मतलब जो है इन्फेक्शन आँख में होता है, इस तरह के कुछ पेशेंट जो है किंग्सवे अस्पताल में देखे गए हैं, मतलब ट्रीटमेंट हुई है सर। जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट में जैसी ये इन्फेक्शन खास करके साइनस में, नाक में, आँखों में और आँखों के साथ साथ में अंदर ब्रेन तक के पहुँच जाता है, और अगर ब्रेन तक के पहुँच जाता है तो मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसमें आँखों की दृष्टि भी चली जा सकती है। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी पहचान करना, डायग्नोसिस करना और जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, डायबिटीज़ पेशेंट को भी ये जो है म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारे साथ किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद गांधी है जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है, तो इनसे हम जानते हैं कि ऐसे पेशेंट को क्या मतलब मतलब सुरक्षितता रहने के लिए क्या करना चाहिए, उपाय क्या बताना चाहिए। म्यूकर माइकोसिस ये जो बीमारी है, हमारे यहाँ जो पेशेंट्स देखे गए, ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स जो थे वो डायबिटीज़ के मरीज थे। यानी इसका मतलब ये है कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, उनको म्यूकर माइकोसिस होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न ये है कि कोविड में जैसे स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से शुगर और बढ़ जाती है, और शुगर कंट्रोल नहीं रही तो म्यूकर माइकोसिस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। इसलिए हर पेशेंट ने डायबिटीज़ पहले से ही अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए। ड्यूरिंग कोविड भी स्टीरॉयड्स लेने के बावजूद भी अपनी दवाइयों के डोजेस, अपने इंसुलिन के डोजेस फ्रिक्वेंटली अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार चेंज करवा के शुगर कंट्रोल अच्छे से रखना चाहिए। शुगर कंट्रोल अच्छा रहा तो म्यूकर से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है या सीवियर म्यूकर माइकोसिस हम जिसे बोलते हैं, वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल नहीं रखा तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमें शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, म्यूकर माइकोसिस ये फंगल इन्फेक्शन है, ये मतलब माउथ से भी जुड़ा हो सकता है, तो ऐसे केसेस जो है किंग्सवे अस्पताल में अभी तक कुछ आए हैं या किस तरह से आपने ट्रीटमेंट अभी तक दी है? हमारे पास में ऐसे कई केस आते हैं, रोज के हम 2 से 4 केस देख रहे हैं। हमारे पास में जब केसेस आते हैं तो जनरली पेशेंट सिम्टम्स देता है हमको, दांतों में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, तालू में छाला आ गया है, दांतों का हिलना, जबड़ों का हिलना, आँखों में दर्द, ये सब चीज़ों के कारण आता है। जनरली इनिशियल केसेस में एंडोस्कोपिकली डिब्राइटमेंट, इससे जो
एंडोस्कोपी के लिए जो साइनस की क्लीनिंग करने से ये चीज़ का इलाज किया जा सकता है, लेकिन जो सीवियर केसेस हो जाते हैं उसमें हमको कई बार जबड़ा निकालना पड़ता है, कई बार आँख निकालनी पड़ी है, ये सब चीज़ें होती हैं। किंग्सले अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस के अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं और कितने लोगों को आपने ट्रीट किया है, क्या बताओ? अभी तक किंग्सले हॉस्पिटल में 7 से ज़्यादा मरीज ऐसे आ चुके हैं जिनका म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ट्रीटमेंट हो चुका है। वैसे म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मॉर्बिडिटी के साथ में मॉर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है। मॉर्टेलिटी का मतलब डेथ का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, और हमारे हॉस्पिटल में आज की घड़ी में डेथ का प्रमाण 10% से भी कम है। नहीं तो हम बोलते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस में डेथ का प्रमाण ऑलमोस्ट 80 से 90% होता है, वो यहाँ पे बहुत कम पाया गया। इसका प्रोबेबल रीज़न है कि एक तो अर्ली ट्रीटमेंट, हमारा टीम अप्रोच सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व है, हमारे फिजिशियंस, हमारे इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, देन ENT सर्जन, ऑप्थेल्मिक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, सभी लोग इसकी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है। इसलिए हमारा टीम अप्रोच की वजह से हमारे यहाँ मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी बहुत कम है। म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए या ना हो इसलिए किस तरह के प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या बताना चाहोगे? म्यूकोरमाइकोसिस जैसे कि अभी हमारे मेरे कोलीग्स ने बोला है कि डायबिटीज़ और स्टीरॉइड्स के यूज़ जो हैं इसमें मेन जो रीज़न्स पाए गए हैं, तो सबसे पहले जैसे गांधी सर ने बोला, मैं उस बात से बिल्कुल अग्री करूँगी कि शुगर का कंट्रोल आपको कोविड होने के पहले भी अच्छे से करना चाहिए, और वाइल यू आर इन द हॉस्पिटल ऑल्सो तो तब भी आपका शुगर जो है अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, तो म्यूकर होने के चांसेस और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्टीरॉयड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, मतलब कि हर पेशेंट को स्टीरॉयड्स की ज़रूरत नहीं होती है, कोविड के हर पेशेंट को, तो ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ स्टीरॉयड्स का नहीं होना चाहिए। और पेशेंट्स जो लोग डिस्चार्ज किए जाते हैं उनको भी अगर अपने ट्रीटमेंट चार्ट में स्टीरॉयड्स हैं तो वो एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाते हैं, वो लंबे टाइम तक देना है कि नहीं देना है वो उनके अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही लेना चाहिए, और जितने टाइम तक स्टीरॉयड्स बोला गया है उतने ही टाइम तक लेना चाहिए, उसको बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस जो है स्टीरॉयड का ज़्यादा प्रमाण अगर दिया जाता है मरीज को तो होने की संभावना ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए डॉक्टरों ने भी किस तरह से, मतलब ये स्टेरॉइड का जो है प्रमाण रहता है वो किस तरह से देना चाहिए? एक तो म्यूकोरमाइकोसिस से बचना बहुत ज़रूरी है। बचने के लिए मेरी आम जनता से ये अपील है कि वो अपने दांतों की साफ़ सफाई, मुंह की साफ़ सफाई, इसका पूरा ध्यान रखे। अगर दांतों में खराबी है, मुँह में कुछ खराबी है, साइनस में कुछ खराबी है तो तुरंत डॉक्टर के पास में जाए, और पान गुटखा चबाने की जो आदत है जिसके कारण हमारा ओरल हाइजीन ख़राब हो जाता है उसको छोड़े। और दूसरा मेरा सभी डॉक्टर से अपील है कि जो स्टीरॉयड्स का यूज़ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है बस उन्हीं को स्टीरॉयड दिया जाता है। जनरली कोविड में ऐसे बहुत कम मरीज है जिनको ऑक्सीजन नहीं लग रहा और स्टीरॉयड दिया जाता है, जो कि सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए दिया जाता है। और तीसरी बात जरूरी है कि जिनको ऑक्सीजन लग रहा है, स्टीरॉयड देना है, उनको यूज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 दिन के ऊपर नहीं करना है, और वो भी जो डोज़ है वो बहुत मिनिमल डोज में, जिसको हम लोग बोलते हैं 0.5 to 1 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करना है, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और ख़ास करके उस वक्त आगाह करना है मरीज़ को भी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं, आपका शुगर का कंट्रोल आपको अच्छा रखना है, ताकि मरीज़ को ये पता रहे कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं, ताकि मेरा शुगर अगर अनकंट्रोल्ड होता है तो मैं प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट कर सकूँ। हमारे साथ किंग्सले अस्पताल की श्वेता लोहिया, डॉक्टर श्वेता लोहिया जी है जो कि ENT स्पेशलिस्ट है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस का, आप ENT स्पेशलिस्ट हो, किस तरह से आपके द्वारा जो है यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, किस तरह से ट्रीटमेंट दी जा रही है? म्यूकोरमाइकोसिस के बहुत अलग अलग प्रेजेंटेशन आ रहे हैं हमारे पास। कुछ म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन सिर्फ साइनसिस तक सीमित है, कुछ म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हड्डी भी सड़ रही है, लोगों की आँखें खराब हो रही है, और कुछ म्यूकोरमाइकोसिस ब्रेन तक भी जा रहा है। तो पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास पहुंच रहा है ट्रीटमेंट उसके हिसाब से दिया जा रहा है। ट्रीटमेंट एक मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है जिसमें एंडोस्कोपिक सर्जरी, साथ में अगर हड्डी सड़ गई है तो वो निकालने की सर्जरी, साथ में अगर आँखें ख़राब हो गई है तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है, और साथ में मेडिकल मैनेजमेंट जैसा कि हमारे बाकी के डॉक्टरों ने बताया है वो साथ में करना पड़ता है। अब तक आपने ऐसे कितने पेशेंट ट्रीट किए हैं किंग्सले अस्पताल में? More than 65। और किस तरह की, मतलब उनमें जो है मतलब जो सिम्टम्स देखे गए थे किस तरह के थे? सिम्टम्स बहुत अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। कुछ लोगों में सिर्फ
चेहरे पे सूजन आ रही है, कुछ लोगों को सिर्फ दांत की तकलीफ है, कुछ लोग सडन नज़र नहीं आना उसके साथ आ रहे हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स के साथ लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो म्यूकर माइकोसिस को लेकर जो लोगों में भ्रम है और जिस तरह से ये म्यूकर माइकोसिस जो है बड़ी तेज़ी से कोरोना जैसे ही बड़ी तेज़ी से हमें फैलते हुए दिख रहा है, तो इसके बारे में हमने किंग्सबे अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम जो है उनसे हमने जानकारी ली है और इसी जानकारी के साथ समय हुआ है ये रुकने का। देखते रहिए BCN न्यूज़।